ये लोगों का गुस्सा, ये खरीदी भीड़ नहीं है, ये आम लोग हैं। आम भिवंडी कर जिस दिन सड़क पे आ जाएंगे मालूम पड़ जाएगा। और हम लोग इसी तरीके से हर भ्रष्टाचारी के खिलाफ हम लोग हर डिपार्टमेंट में जहाँ भ्रष्टाचार होगा हम लोग इसी तरह निकलेंगे। राशन कार्ड बनाए हैं तो उनको मिलना चाहिए। दूसरी बात है, राशन के नाम पे क्या मिलता है? 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल। कितनी दुकानें हैं? जो दुकानें भिवंडी में 190 दुकानें हैं जो 14 लाख लोगों को तकरीबन राशन पहुंचाती है। मतलब एक दुकान पे 7 से 8 हज़ार लोग रहते हैं। उनकी टाइम टेबल का कोई है ही नहीं टाइम टेबल, जबकि यहाँ पे ऑफिशियल टाइम टेबल। आपने भ्रष्टाचार का एक आरोप लगाया, किस तरह का भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार साहब यहाँ पर राशन कार्ड बनाने का भ्रष्टाचार, राशन पूरा नहीं मिलता, आधा अधूरा मिलता है, जाओ अभी नहीं आया तभी नहीं आया, राशन ऑफिस पे अलग अलग रहते हैं। तो आपके इस मोर्चे से क्या लगता है, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? भाई हमारा काम है कोशिश करना, कोशिश करते रहेंगे हम लोग। हम लोग अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? इन्होंने आश्वासन दिया कि इंशाल्लाह हम लोग ये जो राशन के दलालों का मामला दलाल यहाँ से हटा देंगे और हम लोग सब कुछ टाइम टेबल वगैरह सही कर देंगे। हम कंप्लेन बुक रखेंगे राशन ऑफिस पे, हर चीज़ का उन्होंने आश्वासन दिया। आपने कहा कि सिर्फ हमारी कोशिश रहेगी, कोशिश रहेगी या रिजल्ट रहेगा? रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह, कोशिश से ही रिजल्ट आता है ना भाई। कोशिश नहीं करोगे घर बैठे रहोगे क्या रिजल्ट आएगा? भाई आज हम लोगों ने धरना मोर्चा दिया, हम लोग भूख आंदोलन पे बैठ जाएंगे, भूखे बैठ जाएंगे, यहाँ पे आंदोलन करेंगे नहीं उठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे हम लोग, लगातार आवाज़ उठाते, कई वीडियो दिखाऊंगा, कई पत्र व्यवहार किए हैं। ये महाविकास आघाड़ी की सरकार है जिसमें 11 पार्टियाँ हैं और जिसमें हम लोग बोलते हैं कि 3 पार्टी, वो लोग खुद बोलते हैं शिवसेना कांग्रेस एनसीपी, हम लोग हमारे जैसी 8 पार्टियाँ इसलिए सपोर्ट किए हुए कि बीजेपी को इख्तदार से बाहर रखने के लिए। सामान्य नागरिक अगर डायरेक्ट यहाँ पर आता है तो उसको यहाँ पे लोग उनको तकलीफ होती है, उनको साथ दुर्व्यवहार होता है, ये पेपर नहीं वो पेपर नहीं ले जाओ और 10 मिनट बाद दलाल लेके आता है और उनका पूरा काम हो जाता है। सर आपका कहने का मतलब है कि महाविकास आघाड़ी आप लोगों की सुन नहीं रही, समाजवादी पार्टी नहीं सुन रही है, जो सुनना चाहिए वो नहीं सुन रही है। हम लोग कितनी कोशिश, कुछ बात सुन लेती है कुछ नहीं, मगर हम तो कोशिश करेंगे। धरना मोर्चा कितने दिन का आपको समय सीमा दिया गया है कि पूरे जितने आप लोगों ने मांगनी की है उसके ऊपर वो अमल जल्द से जल्द दिया गया है? ऐसा नहीं कि आप बोले कि अभी फौरन हो जाए, अभी आपने देखे कितना एक समय सीमा दिया होगा? हम लोग अभी हम लोग चेक करते रहेंगे, हर 15 दिन पे हम लोग चेक करते रहेंगे, नहीं सुधार आया तो हम लोग कार्य हम उनके हटा दिया जाएगा बोले उन्होंने कि हम हटा देंगे। फॉर्म भरने के लिए कुछ गरीबों को सीसीटीवी कैमरा भी लगा रहे हैं लोग, अभी तक सीसीटीवी कैमरा इनके पास नहीं था, अब कोशिश कर रहे हैं लोग लगाने की।